everyone and welcome back to Ramadan Diaries episode 5. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं और मजे से रमजान की तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन स्लाइडर्स और चिकन बंस। ये बहुत ही मजे की और परफेक्ट सी इफ्तार रेसिपी है। So let's get started and check out the recipe. Let's prepare the dough first. हम लेंगे 1.5 कप ऑल-पर्पस फ्लोर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। अब सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें ऐड करें 1/2 कप नीम गरम दूध और डो को गूंद लें। आप इसमें थोड़ा सा नीम गरम पानी भी ऐड कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। डो यहाँ पर रेडी हो गई है, ये थोड़ी सी स्टिकी है। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। अब इस डो को 5-10 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गूंद लें। सो नीडिंग इज डन। अब हम बॉल में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। अब हम उसमें डो रखेंगे, डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लें और अब इसको क्लिंग रैप से कवर करके डबल होने के लिए रख दें। सो नाउ डो हमारी रेडी हो गई है, लेट्स नीड इट वंस अगेन। अब यहाँ पर हम डो को बॉल में से निकाल लेंगे और 5 मिनट्स के लिए दोबारा से गूंदेंगे। हल्का सा फ्लावर डस्ट करें एंड कीप नीडिंग अंटिल यू गेट अ सॉफ्ट बॉल। अब इस डो से मैंने बनाए हैं 6 बॉल्स और इन बॉल्स को हम रखेंगे एक ओवन सेफ डिश में। अब हम इनको 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे टिल इट गेट्स डबल इन साइज। लेट्स प्रिपेयर द चिकन फिलिंग नाउ। उसके लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और ऐड करेंगे चिकन का कीमा। अब इसको 5 मिनट्स तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस एंड चॉप्ड कैप्सिकम। आप इसमें तीनों बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू लाइक। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा एंड 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से भून लें ऑन मीडियम फ्लेम। हम इसको इसके अपने पानी में पकाएंगे, यू डोंट नीड टू ऐड वाटर और एनीथिंग। और इसको तब तक पकाएं जब तक ये ड्राई ना हो जाए और अच्छी तरह से भून ना जाए। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर फ्लेम लो रखिएगा। अब इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और फिर से एक बार मिक्स कर लें। रेडी नाउ, डो को 10 मिनट्स हो गए हैं एंड इट्स डबल्ड इन साइज। अब हम इसके ऊपर करेंगे एग वॉश। ओवन को प्री हीट कर लें और अब इसको प्री हीटेड ओवन में 10-15 मिनट्स के लिए बेक कर लें। यू कैन सी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और हमारे डिनर रोल्स रेडी हो गए हैं। लेट इट कूल डाउन एंड ट्रांसफर इट इनटू अ ट्रे। यहाँ पर डिनर रोल्स ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको कट करेंगे मिड से। अब मैंने डिनर रोल्स का नीचे वाला हिस्सा वापस डिश में रख लिया है और उसके ऊपर फिलिंग ऐड कर दी है सारी। फिलिंग ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीज, यू कैन ऐड मोजरेला चीज और एनीथिंग। अब इसके ऊपर बंस रखें और मेल्टेड बटर से ब्रश कर लें। अब मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं थोड़े से ब्लैक सीड्स यानी कि कलवंजी। नाउ ऐड सम सेसमी सीड्स यानी कि सफेद तिल। अब इसको वापस ओवन में बेक कर लें फॉर 5 मिनट्स। सो हमारे टेस्टी एंड डिलीशियस चिकन स्लाइडर्स आर रेडी, एंजॉय इट। वॉचिंग आई होप आपको मेरी ये रमजान रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय न्यू वीडियो। टेक
आपके सर रमजान करीम।